तैयारी लुभाने के लिए जब निकलती है सांझ में या रात्र में, अच्छा, उसको अभिसारी का कहते हैं। आपकी पेंटिंग बनी, सर ने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई, और ये पूरी एग्जीबिशन देख के ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लग रहा है? मैंने एग्जीबिशंस तो बहुत देखी हैं, यहाँ भी देखी है, विदेश में भी देखी है, लेकिन आज जो काम मैंने देखा है उस काम ने मुझे बड़ा एक सेटिस्फेक्शन दिया है कि वो ट्रेडिशनल चीज़ करते हुए भी जो मॉडर्न चीज़ है वो समझ में आती है। नहीं तो मॉडर्न आर्ट में जाने के बाद में आपको पूछना ही पड़ता है क्या बनाया है। ये एक नई चीज़ मुझे जानकारी मिली, और आप जितना एक्सपोजर मिलना चाहिए, और मैं तो चाहता हूँ कि दुनिया में हर जगह उनकी एग्जीबिशन लगे। इतना सुंदर काम है, उम्मीद करते हैं कि और देशों में भी जाएंगी एग्जीबिशन। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट टू यू सर। थैंक यू सर। आपको एग्जीबिशंस करते हुए कितना टाइम हो गया है यहाँ पे, और ये कैसे मैनेज करते हैं आप लोग जगह जगह एग्जीबिशंस करना? देखा जाए तो इतने लार्ज स्केल पे दिस इज़ अ फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन। ऑल दो ग्रुप शोज हैव बीन अरेंज्ड अर्लियर ऑल्सो, वेयर वी यूज्ड टू शो द पेंटिंग्स विद अदर आर्टिस्ट, बट दिस इज़ द फर्स्ट सोलो शो। सिलेक्टिंग द पेंटिंग्स, डिसाइडिंग द थीम, शोकेसिंग द जॉब, दैट ऑल रिमेन्ड वेरी हैक्टिक फॉर क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। Because actually we are dealing with the artist, and artists are the people with a very different kind of temperament. So they are never satisfied with their art. So finally assuring an artist that your art is really, the paintings are really extraordinary, and making him ready for all this, that was very difficult. Then booking the space, getting the framing done, and all other things, media, X, Y, that takes time. But I'll say, I'm a very lucky person here who get the blind support of so many people who never questioned anything. They were after me. They were with me always and always. So finally, this is what is here. And the best part is, there was a point of time when I worked with Himat sir. I'll say Himat sir. And after decades, I should say, it was 2003-2004. After decades, I approached him. And the way he treated that is extraordinary. I really admire sir by heart. That is what is coming out of the heart. That's the thing. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, आप ये कब से कर रहे हैं पेंटिंग्स का काम? कितने सालों का कलेक्शन है? मुझे लगभग 30 इयर्स हो गए, 20 साल से मैं कर रहा हूँ, और ये कलेक्शन भी लगभग, ये तो अभी मेरा कुछ ताज़ा वर्क है, मतलब ताज़ा किया हुआ कार्य वो है, क्रिएटिव वर्क। इससे पहले मैं ट्रेडिशनल में भी करता था, और ट्रेडिशनल में भी मौलिक करता था, और स्टेट अवार्ड भी मिला है उसका मुझे ललित कला अकादमी से। उसके बाद मैंने, मेरा रुझान जो है पोर्ट्रेट की तरफ हुआ। पोर्ट्रेट में मैंने हर मीडियम में काम किया है, वाटर कलर से लेके पेस्टल, ऑयल, एक्रेलिक और मिक्स मीडियम, और डिजिटल भी, ये भी किया हुआ मैंने, लेकिन मैंने डिजिटल को थोड़ा सा अलग रखता हूँ, क्योंकि मुझे वो ही पसंद आता है, वाटर कलर का ज़्यादा अच्छा लगता है। सर आपको कैसा फील होता है कि इतने सारे लोग आपको देखने आते हैं, इतना सारा क्रेज़ है कि संजीव सर की पेंटिंग से, आपको कैसा लगता है?
वैसे तो खैर आर्टिस्ट को अपना आर्ट से ये संबंध रखना चाहिए, लेकिन हाँ इससे प्रोत्साहन बहुत मिलता है, बहुत अच्छा फील गुड वाला वो लगता है, बहुत अच्छा लगता है, प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। सर आप आपके वर्ड्स में सक्सेस को कैसे डिफाइन करेंगे? सक्सेस तो आर्टिस्ट के लिए वैसे एक देखा जाए तो आर्ट बनाना ही सबसे बड़ी सक्सेस है, अगर वो अच्छा आर्ट बना रहा है तो सक्सेस तो दुनिया मानती है, वो तो वो बोलते हैं, हालांकि मुझे तो मज़ा पेंटिंग बनाने में आता है।